अस्सलामवालेकुम दोस्तों, मैं हूँ तैयब और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तैयब डी टी आई ट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सब लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनसेट 4A के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दोबारा ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, ये 4 फीट का डिशन लेना है और इस पर मैंने इनसेट 4A सेट किया है 83 डिग्री ईस्ट। सबसे पहले मैं आपको एलएनबी की पोजीशन फ्रंट से दिखा रहा हूँ। आप ये एलएनबी की पोजीशन देख लें फ्रंट से कि एशिया सेट से आपने इसको कितना करना है। एशिया सेट से एलएनबी की पोजीशन और थोड़ा सा इसके में फ़र्क है। एशिया सेट कैसे हो, बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है। इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल को लाइट सा वर्टिकल में हमने चेंज करना है, यानी कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा घुमाना है, फुल वर्टिकल नहीं करना, बस को आप कह रहे हैं तिरछा करना है, तिरछा थोड़ा सा। उसके बाद आपको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ इसकी एलएनबी की पोजीशन। आप यहाँ से भी देख लें कि आपने एलएनबी को कितना अंदर करना है। ये मैंने तकरीबन सारे पॉइंट्स के अंदर कर दिए, यानी कि एलएनबी को फुल अंदर किया हुआ मैंने। आप देख लें गौर से, ये मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ। ये देखें, मैंने फुल 40 बेस को कर दिया हुआ अंदर। और आपको मैं इसी तरह दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ एलएनबी की पोजीशन। ये देख सकते हैं आप सामने, और इसके बाद मैं आपको दोबारा एक दफ़ा सामने से दिखा दूँ। इस सामने से मैं ऊपर से करके दिखा रहा हूँ आपको कि एलएनबी को आपने कैसे रखना है। इसके बाद मैं आपको डिश की पिछली सेटिंग पे चलते हैं, डिश को ऊपर या नीचे कितना करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपके लिए लाइन लगाई है। यहाँ पर डिश एशिया सेट पर सेट थी, एशिया सेट 7 पर। उसके बाद आपने एशिया सेट 7 से इसको राइट साइड पर करना है, 2 से 3 इंच आप राइट साइड पर करेंगे इसको, और ज़मीन से इसको रॉड फुल अंदर आप देख सकते हैं, ज़मीन से इसको उठाना है। ज़मीन से इतना ऊपर आपने करना है कि आपके सिग्नल आना शुरू हो जाए, तकरीबन 1 इंच का फासला है वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको सामने से भी दोबारा दिखा देता हूँ कितना फासला आता है, ये देख सकते हैं आप, 1 इंच का फासला है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ लगी होगी। तो चलते हैं आप टीवी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास कितने परसेंट इसकी सिग्नल क्वालिटी मौजूद है। चलिए टीवी स्क्रीन पे चलते हैं। तो जी दोस्तों, अब हम आ चुके हैं टीवी स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारे पास सिग्नल आना रिसीव हो चुके हैं, और इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी है 10870 हॉरिजॉन्टल 4441। इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी है। अब हमने रिसीवर में ऐड करें और देखें कि हमारे पास तकरीबन 46% सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। ये गोटू वाला बॉक्स है, इसलिए इस पर कम स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन दूसरे रिसीवर पर इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो चलिए इसको करते हैं ब्लाइंड स्कैन और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चैनल रिसीव होते हैं। तो स्कैनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और अभी इस पर पहले टीपी स्कैन होगी और साथ ही साथ हमारे चैनल भी रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से चैनल हमारे पास रिसीव होते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि हमारे पास चैनल रिसीव होना शुरू हो चुके हैं। आपको मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, ये 4 फीट का डिशन लेना है, इस पर ये मैंने 83 सेट की है। इसके अलावा देखते हैं बाकी की चैनल लिस्ट। तो इस प्रोसेस को करते हैं फास्ट, ताकि चैनल लिस्ट कंप्लीट, चैनल रिसीव होने के बाद हमें कंप्लीट चैनल लिस्ट मिल सके।
तो जी दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और देखते हैं अब इसकी चैनल इसको। कौन कौन से चैनल हमारे पास रिसीव होते हैं, ये BBS TV 1 2, इसके अलावा आपको जी हिंदुस्तान, CN न्यूज़, CTVN प्लस, इसके अलावा 24 तास, चौबीस घंटा, और ये कुछ पेड चैनल। इस सैटेलाइट पर आपको काफ़ी सारे डिश टीवी के पेड चैनल फ्री मिलते हैं, जैसे कि MH1, MH1 न्यूज़, MH1 म्यूज़िक, सिंधारा MH1, इसके अलावा NTV, भक्ति और TV, इसके अलावा OTV, OTV है, और ये कुछ चैनल्स। चैनल नेम नहीं आ रहे क्योंकि ये गोटू वाला रिसीवर है, इस वजह से। इसके ऊपर आपको DD नेशनल, DD उर्दू, DD किसान, DD भारत, DD न्यूज़, DD नेशनल, उसके बाद DD स्पोर्ट्स, M1 न्यूज़, M1 म्यूज़िक, इस पर आप काफ़ी सारे पेड चैनल मिलते हैं। तो ये 4 फीट पे मैंने रिसीव किए, कम से कम आप 4 फीट डिश पर इसको रिसीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।